हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और जिस वीडियो का इंतजार आप इतने दिन से कर रहे थे, मुझे बहुत सारे मैसेज कर रहे थे कि मॉम स्कूल का रिजल्ट बताइए, रिजल्ट बताइए। तो फाइनली वो वीडियो लेके आ गई हूँ मैं आज, और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ रिजल्ट। आई एम सो सॉरी फॉर दैट कि इतने दिन के बाद मैं उसका रिजल्ट शेयर कर रही हूँ। एक्चुअली मैं ये सोच रही थी कि ये जो पूरी किट थी, मैंने ये पूरी किट ट्राई की है। इसमें से सिर्फ ये नहीं है, एक एक चीज़ ट्राई करी थी मैं, सारी चीज़ें। और मैं इंतज़ार, जब मैंने इसको 15 दिन लगाया तब मुझे जो रिजल्ट लगा, तो मैंने कहा चलो थोड़े दिन और ट्राई करती हूँ। ऐसे ट्राई करते करते एटलीस्ट मैंने 2.5 मंथ मैंने लिया इसको, और ये 2 मंथ के ऊपर ये मेरा चला हुआ है पूरा। और जो ये सीरम है ये भी कम्प्लीटली फिनिश हो गया है, और जो क्रीम है वो चुन्नू सी बची हुई है, और चुन्नू सा बचा हुआ है मेरा ये अंडर आई सर्कल क्रीम। तो मैंने कहा नाउ दिस इज़ द टाइम कि अब मुझे इसका जो रिजल्ट है वो आपके साथ शेयर करना चाहिए। तो हियर इज़ द रिजल्ट। डार्क सर्कल की अगर मैं बात करूं, एंड यू कैन, आप देख सकते हैं कि डार्क सर्कल जो है पहले से काफ़ी हद तक कंसील हुए हैं। जो मैं अगर अपनी पहले की इमेज आप देखें और अब की देखें तो उसमें से फ़र्क है। बट एक चीज़ मैंने नोट की है, अगर आप कोई भी चीज़, जैसे कि मेरी जो है, मेरी हॉलो आइज़ है, लाइक सिंस चाइल्डहुड मेरी जो है आइज़ हॉलो हैं, तो मुझे वो अगर वो डार्क सर्कल कम भी हो जाते ना, तो आई फील शेडो जब आ जाती ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो जो डार्क सर्कल है वो कहीं पे विजिबल हो रहा है। जब मैं करेक्टर वगैरह भी यूज़ करती हूँ अपने मेकअप में, तो भी मुझे लगता है कि वो अभी पूरी तरीके से विजिबल नहीं है, मतलब पूरी तरीके से विजिबल है, मतलब जा नहीं रहे हैं या थोड़ा सा भी दिख रहा है, तो वो इस वजह से हॉलो आइज। तो अगर इस वीडियो के बाद अगर आपको लगे कि आप बोले कि नहीं नहीं अभी भी आपके बहुत ज़्यादा है, तो इट्स ड्यू टू माई हॉलो आइज। तो अगर आपकी आइज जो है हॉलो नहीं है, नॉर्मल आइज है, तो आपको मे बी फ़र्क ज़्यादा पड़े और आपके जो डार्क सर्कल हैं वो काफ़ी हद तक हाइड हो। बट अगर एक बात मैं ये आपको बताऊं कि अगर आप ये सोचें सिर्फ आपने एक ये इस्तेमाल कर लिया और आपका जो ये एरिया है ये बिल्कुल इस आपके चीक से मैच करने वाला है, सो सॉरी फॉर दैट। फ्रॉम माई साइड ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि अगर हम इसको जितना मर्जी केयर कर ले, जब तक हम अपना लाइफ स्टाइल चेंज नहीं करते हैं। ये मैंने आपको जो मामा अर्थ क्रीम मैं यूज़ करी थी अंडर आई वाली, तब भी मैंने बताई थी कि हमें अपने डार्क सर्कल को ठीक करने के लिए अपना लाइफ स्टाइल भी चेंज करना पड़ता है, थोड़ा सा उसको जो है रूटीन में चीज़ें लानी होती हैं। एंड एज आई ऑलवेज सेड दैट कि आई एम अ न्यू मॉम, तो मुझे अभी भी, किरत भले 1 साल का हो गया, बट अभी भी कई रातें मेरी ऐसी हैं जो कि मुझे जाग के गुजारनी पड़ती हैं। कई बार वो परेशान होता है तो वो नहीं सोता है, या फिर वो बार बार उठ रहा है रात में, तो वो मेरी नींद जो है वो इम्बैलेंस हो जाती है कई बार। तो इसलिए ये चीज़ें हो गई। और दूसरा, मैं अपनी डाइट पे ध्यान नहीं रख पाती हूँ। कई बार मैं सोचती हूँ एप्पल अगर मैंने कट करके रखा हुआ है, कीरत को दे दिया, कीरत के डैडू को दे दिया, बट मैं वो चीज़ नहीं ले पाती हूँ कि ये चीज़ है। तो ये सेम चीज़ मैंने ऑब्जर्व की है कि अगर मैं अपना लाइफस्टाइल चेंज करूँ तो मैं ये भी काफ़ी हद तक हाइड कर सकती हूँ। इससे मुझे फ़ायदा है, ठीक है, ये चीज़ अच्छी है। आप, मैं देख रही हूँ बहुत टाइम से कि हाँ ये मुझे फ़ायदा कर रही है, बट ये तब तक ही फ़ायदा करेगी जब तक कि मैं अपने इसके साथ साथ जो हूँ अपनी चीज़ों को, अपना अगर मैं रूटीन है उसको भी मैं ला रही हूँ। जैसे कि कई बार आप देखते होंगे कि सेम मेकअप के साथ आप सो जाते हैं, पहले मेरे साथ ऐसा नहीं होता था, बट अब क्या है, अगर मैं कहीं से आई हूँ, कीरत परेशान कर रहा है, तो उसको दूध पिलाने लगी हूँ मैं, फीड कराने लगी हूँ, तो साथ ही मैं भी सो गई वहीं पे। तो ऑल ओवर मेकअप अगर मैंने थोड़ा सा रिमूव कर लिया, बट आईज़ के पास जो है, जब आप देखते हैं, जहाँ तक मुझे पता है कि आपका आईलाइनर, आपका मस्कारा बहुत इजीली रिमूव नहीं होता है, अगर वो आपकी यहाँ से चला गया ना, तो आपके एजेस पे वो रह जाता है, और ये भी एक कारण होता है कि अगर आपके डार्क सर्कल है वो हो रहा है। क्योंकि अगर आप अपनी आईज़ के अराउंड अच्छे से क्लीन नहीं करेंगे, एंड जब आप वाइप से करते हैं, मैंने ये चीज़ें देखी है कि मैं मोस्टली क्या होता है, वाइप आउट कर देती हूँ, बट वाइप आउट के बाद समटाइम मैं फेस वॉश नहीं कर पाती हूँ, तो आपको वाइप आउट के बाद फेस वॉश करना भी बहुत ज़रूरी है। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ सिर्फ इसकी, ये तो मैंने आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, या मैंने ये बताया कि आपको क्या क्या करना चाहिए। ओवरऑल द मॉम्स को नेचुरल वीटा रिच अंडर आई क्रीम ये मेरे लिए अच्छी साबित हुई है। अब देखती हूँ कि इसका रिजल्ट जो है ये फिनिश होने के बाद कितने दिन रहता है। वैसे मैंने नेक्स्ट क्रीम भी ऑर्डर की हुई है, बट उसको आने में और इसके में, इसमें सिर्फ अगर बोलूँ तो बहुत ही शायद थोड़ा सा ही बचा हुआ है, तो आज रात जो है को लगा ही लेती हूँ ताकि ये जो है वेस्ट ना जाए। और मैं इसको हमेशा यूज़ करती थी अपनी रिंग फिंगर से,
अराउंड रिंग फिंगर से मैं थोड़ा सा यूज करने के बाद और हल्का सा ही जो नीचे की तरफ बचता है अपने वही अपने ऊपर की आईलेट पर इस्तेमाल करना है। एंड अगेन एंड जो आपको रोल ऑन दिया हुआ है आपने उसे थोड़ी देर मसाज जरूर करनी है, और मसाज जो है वो आपने कभी भी ड्राई उस पर नहीं करनी है, जब भी आपने क्रीम लगी है तब ही आपने मसाज करनी है, और लाइक दिस क्लॉक वाइज एंड एंटी क्लॉक वाइज दोनों तरीकों से आपने मसाज करनी है सेम अपनी दोनों आईज पे। तो मेरा यही वे होता था हमेशा लगाने को, और मैंने इसको अगर मैं बोलूं मैंने दिन में नहीं, मैंने सिर्फ इस और सिर्फ इसको नाइट टाइम में यूज़ किया, हार्डली आई थिंक शायद ही ऐसा हुआ होगा कि ये एक या दो दिन मुझसे मिस हुई होगी, जब मैं घर गई थी लोहड़ी का फंक्शन था तब, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो गई थी, तो वैसे मैंने कोशिश की थी उस टाइम पे मिस ना हो, बट मे बी अगर मैं श्योरली ना बोलूँ, क्योंकि हमेशा बोलते ना कोई भी चीज़ 100% नहीं होती, तो अगर मैं बोलूँ 99% मैंने इसे यूज़ किया 99% कि क्रीम को मैंने पूरा अपना देने की कोशिश की है कि कभी ऐसा ना हो कि मिस हो जाए या कुछ ऐसा। तो दैट्स ऑल गाइज, ये थी मेरी आज की वीडियो, और मेरा ओपिनियन रहा है इस मॉम्स को के साथ बहुत अच्छा, एंड बस इंतज़ार है कि ये क्रीम जो है मुझे अब ज़्यादा प्रॉब्लम ना दे, ये ना हो जाए कि इसको यूज़ नहीं कर रही हूँ तो ये फिर से डार्क सर्कल बहुत ज़्यादा विजिबल ना हो। बस आई प्रे टू गॉड फॉर दिस, एंड ओवरऑल दिस क्रीम इज़ वेरी मच गुड फॉर मी, एंड आई थिंक अगर आप में से जो जो इंतज़ार कर रहे थे इस मॉम्स को का, तो प्लीज़ गो एंड आप इसको परचेज कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, ये क्रीम बहुत ही अच्छी है, और आपको जो है मुझे कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको भी कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। तो गाइस जल्दी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।